नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं मिस सोनी आपके यूट्यूब चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं आई होप दोस्तों आपको ए सी रेंजर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी उस तैयारी को दोस्तों बिल्ड करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आपका श्रृंखला सीरीज के क्वेश्चन पर बेस्ड होगा ठीक है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दोस्तों दि डिस्प्ले हो रहा होगा इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों ये किस पर बेस्ड है हमारा का अल्फाबेट पर बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने लिखा है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमको करनी होगी इसकी काउंटिंग तो चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन टोटल यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारा टोटल लेटर कितना आ रहा है सिक्सटीन और सिक्सटीन डिवाइड होता है दोस्तों आपका फोर इंटू फोर में डिवाइड हमें कर देना अब फोर इंटू फोर में हुआ दोस्तों मतलब ये सोलह का जो ग्रुप है ना वो आपके चार चार के ग्रुप मतलब लेटर्स के ग्रुप में क्या हो जाएगा डिवाइड कर सकते हैं चार चार के लेटर में उसे चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं तो चलिए यहाँ पर हमें चार चार के ग्रुप में इसे क्या करना है डिवाइड करना है तो देखिए वन टू थ्री फोर ये चार का ग्रुप बन गया हमारा ठीक है देन हमें क्या करना है वन टू थ्री फोर ये चार का ग्रुप बन गया आपका ठीक है देन क्या करना है वन टू थ्री फोर ये भी आपका चार का ग्रुप बन गया देन वन टू थ्री फोर ये भी तो ये चार चार के ग्रुप में दोस्तों आपका चार भागों में बट गया ये जो पहला ग्रुप है ना उसका पहला लेटर आप देखिए क्या है यहां पर बी आर है ये आपका दूसरा ग्रुप है दोस्तों ये दूसरे ग्रुप का भी पहला लेटर क्या रहा है हमारा बी आर है ठीक है

इस ऑप्शन के साथ हमें मैच करते हुए सॉल्व करना है इस ग्रुप का पहला लेटर बी इसका भी बी इसका भी पहला लेटर बी तो यहां पर भी क्या आएगा दोस्तों सी बात है क्या आएगा हमारा बी तो हमको आंसर साथ ही में लिखते जाना है तो पहला हमारा आ गया बी ठीक है ये बी लास्ट में दोस्तों तो ये आप लास्ट में बी लिख दीजिए ठीक है ये सबसे लास्ट में बी आ जाएगा देन देखते हैं दोस्तों अब उसके बाद देखिए यहां पर सेकंड लेटर देखते दे, हैं सेकंड लेटर यहां पर आ रहा है सी हमारा यहां पर अनोन है यहां पर भी सी आ रहा है यहां पर भी तो अब बेसी बात है दोस्तों आपका यहां पर क्या आ जाएगा सी आएगा ठीक है देन देखते हैं थर्ड लेटर देखते हैं थर्ड लेटर यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों ए यहां पर भी दूसरे ग्रुप में भी क्या आ रहा है हमारा ए इसमें देखते हैं दोस्तों नहीं दिया है और इसमें भी क्या आ रहा है हमारा ए अर्थात यहां पर भी हमारा क्या आएगा ए ही आएगा ठीक है देन देखते हैं ये फर्स्ट ग्रुप का लास्ट मतलब चौथा जो लेटर है दोस्तों वो हमारा क्या है अनोन है लेकिन सेकंड लेटर में क्या आ रहा है हमारा ए आ रहा है A, R, इसमें भी देखिए थर्ड ग्रुप में भी तो हमारा क्या रहा है ए आर और इसमें भी क्या रहा है हमारा ए तो अपन दोस्तों यहां पर भी क्या लिख देंगे हम ए लिखेंगे अब इसे लिखते हैं ए सी ए बी करना है तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर रहा है ए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन अपन लिखते हैं देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना दिया हुआ है दोस्तों यहां पर दिया है आपका बी ए बी ए डैश सी डैश ए बी सी हो गया देन ए डैश आपका सी या ऑप्शन में आपको लिख देता हूं यहां पर ए डबल बी ए देन आ जाएगा आपका बी ए बी ए आ जाएगा देन आपका डबल ए डबल बी ऑप्शन दिया है आपका और फोर्थ ऑप्शन दिया है दोस्तों आपका बी 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 इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये दोस्तों आपका आ रहा है टोटल कितना आ रहा है 12 parts में डिवाइड हो रहा है और 12 पार्ट्स को देखा दोस्तों यहां है या चार का हम क्या करते हैं बड़े वाले से स्टार्ट करके देखते हैं तो यहां पे चार का ग्रुप बनाते हैं तो वन टू थ्री फोर यहां पर आ जाएगा हमारा चार का वन टू थ्री फोर ये हमारा आ जाएगा चौथे नंबर पे देन वन टू थ्री फोर ये आ जाएगा हमारा ठीक अब हमें क्या करना है इस ग्रुप का दोस्तों पहला लेटर देखना है यहां पर हमारा बी इसमें देखते दोस्तों तो आ जा रहा है हमारा अनोन यहां पर भी क्या अनोन तो इससे पता नहीं चला नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या मिल रहा है हमारा ए इस दूसरे ग्रुप का भी सेकंड लेटर क्या मिल रहा है हमें ए और थर्ड ग्रुप का भी हमारे देखिए तो सेकंड लेटर मिल रहा है हमें ए तो इससे हमें पता चल गया दोस्तों कि हमारा सीरीज क्या हो रहा है बैट रहा है तो हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करते हैं तो ये फोर पार्ट्स में ये वन पार्ट्स टू पार्ट्स और थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों कि सेकंड लेटर में ए आ रहा है यहां भी ए आ रहा था यहाँ पर भी ए आ रहा था तो हमें समझ आ गया कि हमारा जो तो सीरीज है वो बैट रहा है जम जा रहा है

सकता है अगर इस सबको हमने देखें दोस्तों तो क्या रहा है? बी 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 हमारा आंसर क्या रहा है बी 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 और बी हमें इसको मैच कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन का किसी ऑप्शन आ रहे ऑप्शन तो आ रहे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बी 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 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा ठीक है आई होप आपको समझ आ गया होगा इसे क्या करना है तीन और चार के ग्रुप में डिवाइड करके हमें क्या करना है सॉल्व कर रहे हैं अगर ये चार में ग्रुप में नहीं आता दोस्तों उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा तीन तीन का ग्रुप बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन ठीक है चलिए यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन यहां पर थर्ड क्वेश्चन लेकर आपके लिए लाए हैं यहां पे आपका लिखा है दोस्तों यहाँ देखिए ए बी डैश बी ए बी सी ठीक है देन आपको करना है डैश ए ए आपका आ जाएगा बी सी बी डैश ए बी सी बी और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका डैश ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं डैश अब इसके क्या करना है आपको सॉल्व करके देखना है चलिए हम क्या करेंगे अच्छा ऑप्शन लिखना भूल गए ऑप्शन भी लिख देते हैं यहां पर तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आपका ए बी बी सी देन आपका आएगा दोस्तों सी बी डबल देन आएगा आपका डबल ए और आ जाएगा आपका डबल बी ये आपका क्वेश्चन दोस्तों इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना चलिए तो यहां पर देखिए दोस्तों टोटल हमें काउंटिंग करनी लेटर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी यहां पर दोस्तों पर हम लोग देख पा रहे होंगे तो क्या हो रहा है टोटल लेटर आ रहे हैं आपका ट्वेंटी और ट्वेंटी को डिवाइड करने पर आता है दोस्तों देखिए इस ट्वेंटी को हम बना सकते हैं चार चार का ग्रुप या बना सकते हैं हम लोग पांच पांच का ग्रुप तो यहां पर हम लोग बनाते हैं चार का ग्रुप बनाइए या पांच का हम स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों बड़े वाले से बड़ा वाला अर्थात पांच से स्टार्ट करके देखते हैं अगर पांच से हमारा सीरीज नहीं जम पाया उस केस में हम लोग फिर क्या करेंगे छोटा वाला बना करके देखेंगे चार वाले से तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे चल यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं पांच का ग्रुप बनाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां पर आ जाएगा हमारा देन वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है देन यहाँ पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे आ जाएगा देन ये फाइव का ग्रुप आपका बन गया अब हमें क्या करना है दोस्तों इस सीरीज में हमें देखना है कि ये फर्स्ट जो ग्रुप है उसका फर्स्ट लेटर आ रहा है हमारा ए तो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट लेटर भी क्या आना चाहिए था ए और यहां पर क्या हो रहा है वो चीजें आ रही हैं देन देखते हैं थर्ड ग्रुप का भी फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है हमारा ए और फोर्थ ग्रुप का भी हमारा फर्स्ट लेटर आ रहा है ये तो इसे हमें एस, एस समझ आया दोस्तों कि जो ग्रुप बन रहा है वो पांच का ग्रुप में बन रहा है अगर ये नहीं बनता दोस्तों सेम सेम चीजें नहीं आती तब हम इसे स्टार्ट करेंगे चार के ग्रुप में बनाना तो यहाँ पे पांच ग्रुप में बटा ये भी आपका पांच के ग्रुप में और ये भी आपका पांच के ग्रुप में बट गया अब देखते दोस्तों पहले लेटर ए पहला लेटर ए पहला लेटर ए और इसका भी पहला लेटर क्या है ए तो इस सभी ग्रुप से पता हमें चल गया अब देखते हैं दोस्तों सेकंड लेटर हमारा आ रहा है बी इस ग्रुप का भी सेकंड लेटर आ रहा है हमारा बी इस ग्रुप का भी बी और इस ग्रुप का भी बी आ रहा है अब हमें निकालना क्या थर्ड लेटर थर्ड लेटर है यहां पर आपर देख पाए तो C दिया हुआ है यहां पर भी देखे थर्ड लेटर दोस्तों तो C दिया है यहां पर भी देखे तो हमारा क्या आ रहा है सी दिया हुआ है तो इससे हमें समझ के आया कि इसका जो थर्ड लेटर होगा दोस्तों वो हो सकता है आपका सी तो यहां पर हम लोग लिख देंगे यहां पर आएगा हमारा सी क्वेश्चन का ठीक है चलिए देन क्या करनी है दोस्तों हमें करना है उसके बाद इसमें दिया फोर्थ लेटर तो फोर्थ लेटर क्या दिया फर्स्ट ग्रुप में फोर्थ लेटर दिया आपका बी ठीक है इसमें जाते हैं तो इसमें फोर्थ लेटर दिया आपका बी इस ग्रुप में आते हैं दो, दोस्तों तो आपका आता है यहां पर भी बी तो इससे हमें समझ आया दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा बी आएगा हमारा ठीक है देन देखते हैं दोस्तों यहां पर फिफ्थ लेटर दिया है फिफ्थ लेटर देखते हैं यहां पर आ रहा है हमारा दूसरे ग्रुप में ए यहां पर भी देखते हैं तो हमारा आ रहा है ए तो ऑब्वियस से बात है दोस्तों यहां पर भी हमारा आंसर क्या आएगा यहां पे मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन यहां पर भी हमारा क्या आएगा ए और यहां पर भी हमारा आ जाएगा दोस्तों ए तो अपन इसका आंसर लिखते हैं चलिए इसका आंसर लिखते हैं अपन आंसर आ जाएगा आपका सी यहां पर आ जाएगा आपका बी देन यहां पे आ जाएगा आपका ए और यहां पर भी आ जा रहा है आपका ए तो सी बी ए ए पे आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आप सी देख पा रहे होंगे तो इसमें आ रहा है आपका एंसर सी बी ए ए इस तरह से हमें क्या करना है दोस्तों इन सारे एस्पेक्ट्स के आधार पर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों अपन ठीक है चलिए आई होप आपको समझ आ रहा दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आपको ठीक है तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं जल्दी से और दूसरा क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है एम डैश एम डैश ए एम डैश ए डैश ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पे लिखते हैं ए एम ए एम देन आपका दिया है दोस्तों ए एम ए देन आपका दिया है यहां पर ए ट्रिपल एम आपका दिया हुआ है देन यहाँ पे दिया है दोस्तों एम ए एम ए इन चारों ऑप्शन का यूज करना है और हमें इन क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है सबसे पहले दोस्तों हमें करनी है इसमें काउंटिंग तो काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पर हमारे टोटल नंबर आ रहे हैं दोस्तों लेटर यहाँ पर दे हुए हैं और नाइन लेटर आने पर दोस्तों ये डिवाइड होता है आपका थ्री इंटू थ्री में और थ्री इंटू थ्री में का मतलब क्या दोस्तों कि ये तीन तीन लेटर का बनने का कितने ग्रुप तीन ग्रुप बनेंगे ठीक है तो चले स्टार्ट करते तीन का ग्रुप वन टू थ्री तो ये आपका बटा वन टू थ्री तो ये आपका बटा और ये आपका बट गया अब हमें क्या करना है दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हमें मैच इट करना यहां पर देखिए फर्स्ट लेटर अनून मतलब एम दिया यहां पर अनोन है यहां पर भी अनून दिया हुआ है तो हमें लास्ट लेटर देखते हैं यहां पे लास्ट लेटर आ रहा है हमारा सॉरी सेकंड लेटर आ रहा है हमारा अनून यहाँ पर आ रहा है हमारा ए यहां पर भी आ रहा है ए तो हम मान के चलते दोस्तों कि यहां पर भी हमारा सेकंड लेटर क्या आएगा ए ठीक है देन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लेटर यहाँ पे दोस्तों एम था यहाँ पर unknown था यहाँ, पर, यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर एम है तो यहाँ पे भी एम और यहाँ पर भी एम आता होगा देन लास्ट लेटर देखते हैं यहां पर एम आ रहा है यहां पर भी सेकंड ग्रुप में भी एम आ रहा है तो हम मान के चलते दोस्तों कि लास्ट ग्रुप में भी क्या आएगा हमारा एम आएगा अगर इसके बेस पे दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन क्रिएट करें तो ए देन आपका एम देन एम देन एम हमारा ए एम 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 अगर ये ऑप्शन देखे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो रहा है सही आ रहा है बैठ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा ठीक है आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों वो इसमें क्या होगा चेंजेस होगी ठीक है जैसे चेंजेस मीन दोस्तों जैसे वन टू थ्री ठीक है मतलब मतलब तो जो फर्स्ट लेटर है ए बी सी है तो ये इस फॉर्मेट में फिर आ जाएगा आपका टू थ्री वन के लेटर में आ जाएगा ठीक है मतलब बी सी ए के आ जाएगा देन ठीक है थ्री वन टू अर्थात सी ए बी इस तरह से चेंज होने वाले बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले दोस्तों ठीक है और मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको जल्द ही मिल जाएंगे तो आई होप आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बगल में ले गए हुए बेलाइकन को भी प्रेस करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज